हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज आप सभी के सामने पेश है 7 सीटर में एकदम सॉलिड सा रफ एंड टफ एसयूवी कार महिंद्रा बोलेरो न्यू। एंड आज आप लोग देखने वाले इसके बेस मॉडल को, जो ब्लैक कलर में आपके सामने खड़ी हुई है ये एसयूवी कार। यहाँ पे कहने को बेस मॉडल है, लेकिन भाई साहब अंदर बैठेंगे ना तो आपको काफ़ी सॉलिड सा फील आने वाला है इस कार के साथ। एंड प्राइस रेंज की बात करें अगर इस कार की, तो 9.94 लाख से इसका ये एक्स शोरूम यहाँ पे बेस मॉडल N4 स्टार्ट होता है। टॉप मॉडल तो वही जाएगा 14 लाख के आसपास तक। वेरिएंट्स का ज़्यादा आपको यहाँ पे तामझाम नहीं मिलेगा। इसमें आपको इसका बेस मिलेगा ये वाला N4, उसके बाद मिलेगा N10 एंड N10 ऑप्शनल, यहाँ पे इसका रहेगा टॉप मॉडल। 4 वेरिएंट्स में कार आपको देखने को मिलेगी। एंड इस तरह कुछ इस बेस मॉडल के साथ आपको फ्लिप डमी की मिलती है, जिसमें देखेंगे पीछे महिंद्रा का लोगो। बाकी यहाँ पे कोई भी आपको बटन्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। तो फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले ग्रिल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है महिंद्रा का लोगो, पूरी ब्लैकआउट इसके यहाँ पे फ्रंट ग्रिल। उसी तरह यहाँ पे लोअर ग्रिल भी आपको देखने को मिलेगी। हेडलैम्प्स वगैरह आपको नॉर्मल से वही हैलोजन बेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसी में आपको मिलते हैं इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट एंड पार्किंग लाइट। DRL वगैरह आते हैं वो आपको मिलेंगे टॉप मॉडल में। बेस मॉडल में आपको DRLs वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे इस वाले वेरिएंट के साथ। फॉग लैंप्स की हाउसिंग देगी, बाद में चाहे तो एक्सेसरीज यहाँ पे लगवा सकते हैं। ये देख लीजिए इसका पूरा फ्रंट प्रोफाइल एकदम मस्कुलर सी लगेगी, सॉलिड सी देखने में ये SUV कार। नीचे का इस तरह पूरा फ्रंट इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के साथ आपको ऑफर किया जाएगा 180 मिलीमीटर का। ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट, ये इसकी यहाँ पर रहेगी। प्लेन रूफ, आगे की तरफ इसका पावर एंटीना। तो फ्रंट प्रोफाइल देखने के बाद अब बात आती है गाड़ी की साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले आप देखेंगे इसके स्टीलिंग जो आपको दी जा रहे हैं 15 इंचेस के। इसी के साथ अगर इसकी वारंटी वगैरह की बात की जाए तो आपको उसमें मिलेगी 3 साल 1 लाख किलोमीटर की, जिसको फर्दर आगे भी आप एक्सटेंड करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अब आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे पास से। तो ये यहाँ पे रहेंगे 15 इंचेस के इसके नॉर्मल से स्टीलिंग, जिसमें आपको मिलता है महिंद्रा का लोगो। टायर प्रोफाइल 215/75 एंड 15 इंचेस के यहाँ पर रहेंगे इसमें डिडल के टायर्स। इतना कुछ यहाँ पे ट्रैवल, आगे डिस्क ब्रेक्स रहेंगे, पीछे ड्रम ब्रेक्स। ये यहाँ पे देखेंगे पूरी क्लाइडिंग आपको मिलेगी फेंडर पे। यहाँ पे इंडिकेटर्स की रहेगी प्लेसमेंट। ORBM देख लीजिए यहाँ पे सेम बॉडी कलर, जो आपको मैनुअली एडजस्टेबल हैंड फोल्डेबल देखने को मिल जाएंगे। ए पिलर सेम यहाँ पे बॉडी कलर, हैंडल वगैरह आपको यहाँ पे मिलता है मैट ब्लैक फिनिश में। अंदर की बात करें तो यहाँ से थोड़ा आपको बेस मॉडल का फील आएगा। डुअल टोन में पूरा मिलता है डैशबोर्ड, कोई भी ऑडियो सिस्टम वगैरह आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे लगवानी पड़ती बाद में। बाकी अंदर बैठेंगे तब अभी आपको दिखाते हैं पूरा डिटेल में। बी पिलर भी सेम यहाँ पे बॉडी कलर उसी तरह देखेंगे, ये यहाँ पे सी पिलर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्यूल फिलर कैप यहाँ पे दिया गया, जहाँ से आप इसमें डलाएंगे डीजल एंड यूरिया, दोनों चीज़ें यहीं से आपको फिल करानी पड़ेंगी इस कार में। रियर में आपको नॉर्मल से ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, आगे तो रहेंगे डिस्क ब्रेक्स। बाकी ब्लैक कलर में आप इसको देख रहे हैं, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, इसी के साथ सिल्वर मिल जाएगा। एंड एक और आपको यहाँ पे मिलता है रॉकी विंग वाला कलर ऑप्शन इस कार के साथ, जो रहेगा ग्रीन वाला। इस तरह कुछ बढ़िया सी देखने को मिलती है इसकी पूरी बैक प्रोफाइल। कंपटीशन इस सेगमेंट में आपको रफ एंड टफ ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, हालांकि चाहे तो मारुति अर्टिगा वगैरह किया कैरेंस में जा सकते हैं, जहां पे आपको उसमें 7 सीटर का सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा। एक और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा बोलेरो न्यू, देख रहे हैं ना, बोलेरो न्यू प्लस का, जहां पे आपको उसमें 9 सीटर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहां पे आपको इंजन भी बड़ा मिलेगा, डायमेंशन भी बड़ी मिलेगी, बाकी टायर साइज भी वहां पे इंक्रीज़ हो जाएगा इस कार का। तो आइए अब दिखाते हैं इसकी पूरी बैक प्रोफाइल। ये रहने वाली है यहाँ पे देखेंगे महिंद्रा का, यहाँ पे महिंद्रा का लोगो, बोलेरो की बैजिंग देखने को मिलेगी। ये इसका स्प्रिविल जो आपको मिलेगा सेम साइज 15 इंचेस का। बाकी बेस मॉडल है तो आपको कोई भी रियर वाइपर डिफॉगर नहीं मिलेगी। हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर देखेंगे बोलेरो न्यू की बैजिंग। एंड ये इसके नॉर्मल से यहाँ पे बैक लाइट, जिसमें आपको रिवर्स लाइट इंडिकेटर्स वगैरह सभी कुछ देखने को मिल जाएगा। बंपर वगैरह सेम यहाँ पे बॉडी कलर, जिसमें 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर देखेंगे, रिफ्लेक्टर्स वगैरह दिए गए। टोइंग का ऑप्शन यहाँ पर रहेगा साइड में, ये फुट स्टेप अंदर चढ़ने के लिए। एंड नीचे का दिखाएं तो इस तरह नीचे का आपको पूरा रियर सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलेगा, ये देख लीजिए। तो ये आपने सब देखा, इस तरफ बचा हुआ था तो ये देखिए N4 की आपको बैजिंग मिलती है, जिसका रहने वाला है पे बेस मॉडल। अब आइए आपको दिखाते हैं कि भाई साहब पीछे कैसा कुछ आपको मिलेगा बैठने का सिस्टम। तो सबसे पहले डोर देखेंगे इस तरह, जिसमें आपको डोर ओपनर दिया गया है, ये इसका हैंडल वगैरह। इस तरह एक एक बंदा यहाँ पे बैठ जाएगा, एक इधर एक यहाँ पे, दो लोग बैठेंगे। अगर फोल्ड कर देंगे ये वाली दोनों सीट्स कुछ इस तरह, तब आपको यहाँ पे मिल जाएगा 384 लीटर के आसपास बूट स्पेस अगर फोल्ड करेंगे तब। तो भाई साहब बैलून आ रहा है, इसको हटाते हैं ज़रा फ़ोन से ही, अदरवाइज अभी बम से होगा गम से। चलिए बैठ के देखेंगे तो इस तरह कुछ आराम से बैठेंगे, दो लोग इस तरह बैठ जाएंगे, दोनों मेरी हाइट के बैठेंगे तो घुटने वगैरह आपस में टच होंगे, बाकी बच्चे लोग तो आराम से आ जाएंगे। दो लोग यहाँ पे, 3 लोग यहाँ पे, 2 लोग आगे, हो गया भाई साहब 7 सीटर का यहाँ पे ऑप्शन। इसको चाहें तो हल्का सा खोल भी सकते हैं, बाकी फोल्ड करेंगे तो अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। ये आपने देखा ऊपर यहाँ पे इसका ग्रैप हैंडल वगैरह दिया गया। चलिए निकलते और चलते हैं इसके सेकंड वाली रो पे। तो पीछे वाली रो को देखने के बाद फोल्ड करके एज अ बूट स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसी के साथ
अब बात करें अगर इस गाड़ी के यहाँ पे डायमेंशन के बारे में, तो आपको उसमें मिलेगी 4995 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे लेंथ यानी कि लंबाई, इसी के साथ 1795 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे विथ चौड़ाई एंड 1817 मिलीमीटर की इस गाड़ी की यहाँ पे इसकी हाइट देखने को मिल जाती है। व्हील बेस वही मिलेगा 2680 मिलीमीटर का इस कार के साथ। ये बात हो गई इसके यहाँ पे पूरी डायमेंशन की। अब चलेंगे अब आइए चलते कार के अंदर बैठ के देखते इसका पूरा स्पेस वगैरह। सबसे पहले खोलेंगे इसके वाली यहाँ पे डोर, तो डोर ट्रिम इसकी यहाँ पे देख लीजिए। इसमें पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाएगा, डोर हैंडल दिया गया है, यहाँ पे डोर ओपनर मिलता है पूरा मैट ब्लैक फिनिश में, बॉटल वगैरह लगाने की यहाँ पर रहेगी स्पेस। बाकी अंदर की इस तरह देखेंगे सीट्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और जब भाई साहब अंदर बैठेंगे ना, तो यहाँ से आपको थोड़ा बेस मॉडल लगेगा कि भाई साहब बेस मॉडल है, कोई भी ऑडियो सिस्टम नहीं मिलेगा, एसी वेंट्स इस कार में नहीं आते, ये थोड़ा यहाँ पे इसका रहेगा वीक पॉइंट। बैठने के बाद इतना कुछ यहाँ पे इसका लेग रूम नी रूम वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसका थाई सपोर्ट इधर का देख लीजिए पूरा यहाँ पे डोर ट्रिम वगैरह, तीन बंदे यहाँ पे बैठ जाएंगे आराम से। सीट्स की चौड़ाई वगैरह भी अच्छी खासी मिलेगी। इधर ऊपर यहाँ पे देखेंगे इसका हैंडल वगैरह, तो इस तरह आराम से बैठने वाले इसके सेकंड रो में। बाकी अब आइए चलते आगे ड्राइवर साइड की तरफ, वहाँ से आपको दिखाते हैं इस कार में और क्या कुछ देखने को मिल जाएगा। पीछे का मैंने आपको यहाँ पे इसका पूरा दिखाई दिया कैसा कुछ था पूरा सेटिंग अरेंजमेंट। चलिए निकलते और आते ड्राइवर साइड की तरफ। चाइल्ड लॉक वगैरह यहाँ पे देखेंगे इनकी डोर्स में, और ये इसकी रहेगी ड्राइवर साइड वाली डोर हैंडल। तो अंदर चलने से पहले अगर आपको दिखाएं इसकी चाबी, तो भाई साहब ये फ़िलिप डमी की मिलेगी, इस तरह निकल के कुछ आएगी, कोई भी बटन्स वगैरह नहीं मिलेंगे, हालांकि महिंद्रा का लोगो दिया जाएगा। इसी से अपनी गाड़ी को कुछ इस तरह यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। चलिए खोलते हैं दिखाते हैं अंदर का इसका पूरा व्यू। ये देख लीजिए सबसे पहले इसकी डोर ट्रिम, यहाँ पे दिया गया इसका हैंडल, डोर ओपनर, नीचे यहाँ पे बॉटल होल्डर लगाने का स्पेस, बाकी स्पीकर्स वगैरह आपको यहाँ पे लगवाने पड़ेंगे बाद। सो डैशबोर्ड वगैरह देखेंगे पूरा यहाँ पे डुअल टोन में आपको देखने को मिलेगा। इधर यहाँ पे देखेंगे इनकी सीट्स वगैरह, ये कवर वगैरह यहाँ पे एज एक्सेसरीज लगाए गए बाद में। सीट रिक्लाइन का आपको यहाँ पे इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी नीचे इसका फ्यूल लीड ओपनर यहाँ पे दिया गया, मैनुअल ट्रांसमिशन के इसके मिलेंगे, एबीसी पैडल। ऊपर की तरफ यहाँ पे ESS इको मोड एंड हेडलैम्प को ऊपर नीचे एडजस्ट करने का यहाँ पे देखने को मिलेगा स्विच। अब लगाते हैं इसके यहाँ पे नॉर्मल सी फ्लिप की को, फिर देखते हैं इसका पूरा अंदर का इंटीरियर एंड डैशबोर्ड। तो गाइस अब ये बैठ चुका है इस कार के अंदर, भाई साहब बेस मॉडल का फील इस तरह आपको मिलेगा, कोई भी ऑडियो सिस्टम नहीं मिलता है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम आपको लगवाना पड़ेगा बाद में, ये भी पूरी प्लेन से यहाँ पे रहेगी इसकी स्टीयरिंग। तो चलिए सबसे पहले ऑन करते हैं यहाँ पे इसके क्लस्टर को, देखते हैं कैसा कुछ दिया गया है। तो ये ऑन होगा पूरा अनलॉक, ये देख लीजिए इस तरह कुछ यहाँ पे लाइटिंग वगैरह आपको दिखेगी। इधर इस कार पे मीटर, इधर स्पीडोमीटर, 180 की मार्किंग मिलती है, बीच में इसके एमआईडी स्क्रीन जिसमें आपको दिख रहा होगा टिप्पे में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, किस टायर में कितनी हवा है वो आपको देखने को मिलेगी, एंड चेकलाइट भी यहाँ पे देख सकते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग वाली। बाकी और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए इसको इस तरह प्रेस करते जाइए, सेटिंग है, इसके अलावा देखेंगे ट्रिप पे और यहाँ पे माइलेज वगैरह हो गया, DLF अलाउ इन्फॉर्मेशन, ये काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील में यहाँ पे दिया गया बड़े सा महिंद्रा का लोगो। इस तरफ यहाँ पे मैनुअल हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स यहाँ पे जाएंगे, वाइपर्स के कंट्रोल्स, बाकी भाई साहब ना एडजस्टमेंट सिर्फ एक ही मिलेगा, वो रहेगा टिल्ट एडजस्टेबल यहाँ पे इसकी स्टीयरिंग। तो इसको यहाँ पे कर देते हैं फिक्स, और ये जो देख रहे हैं ना कवर, ये यहाँ पे बाद में लगा हुआ एज एक्सेसरीज, ये चीज़ आपको बेस मॉडल में देखने को नहीं मिलेगी। डैशबोर्ड की तरफ आएंगे, पूरा डुअल टोन में आपको मिलता है ब्लैक एंड विथ फिनिश में। यहाँ पे भाई साहब क्या होगा, पूरा ब्लैकआउट आपको इस इवेंट्स मिलेंगे, उसी तरह पूरा ये इसका सेंटर कंसोल, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। बेस मॉडल का फील आपको असली यहीं से आएगा, बाकी बाहर से देखते जो इसके नॉर्मल से स्टील लिम हेजलाइट का स्विच सेंटर में, यहाँ पे अपने हिसाब से बढ़िया जो भी आपको बजट अलाउ करे यहाँ पे लगवा लीजिए, टच स्क्रीन कैमरा वगैरह या टू डी टाइप का ऑडियो सिस्टम। नीचे की तरफ एसी के सारे कंट्रोल्स, मैनुअल एसी आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगा, फैन स्पीड वगैरह यहाँ से कम ज़्यादा कर लीजिए, यहाँ से फ्लो वगैरह, यहाँ से टेम्परेचर वगैरह। 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट यहाँ पे देखने को मिलता है, इधर यहाँ पे देखेंगे छोटा मोटा स्पेस, एंड ये इसका 5 स्पीड यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन। ये गाड़ी सिर्फ आपको मैनुअल एंड डीजल में ही देखने को मिलेगी, इसके अलावा कोई भी आपको दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता है इस महिंद्रा बोलेरो नियो के साथ। इधर जाएंगे तो हैंड ब्रेक वगैरह यहाँ पे रहेंगे, चारों पावर विंडोज के कंट्रोल्स, तो बेस मॉडल में ये देखेंगे तो चारों पावर विंडोज आपको देखने को मिल जाएंगी। दो ग्लास होल्डर यहाँ पे रहेगा, तीसरा बॉटल होल्डर का स्पेस, इधर की डोर ट्रिम, एयरबैग्स आपको इस गाड़ी में दो मिलेंगे, एक रहेगा वहाँ पे, दूसरा रहेगा यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड फीचर रहने वाला इस कार के साथ। ऊपर की तरफ नॉर्मल साइज का IRVM, रूफ लाइट देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी वही पीली वाली, बाकी इधर यहाँ पे जाएंगे तो सनवाइजर में आपको मिलता है टिकट होल्डर, और को ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर भी देखने को मिल जाता है इस कार के साथ। तो ये था यहाँ पे इस महिंद्रा बोलेरो नियो के बेस मॉडल के अंदर का पूरा इंटीरियर जो आपने देखा। बाकी रफ एंड टफ सॉलिड सा फील चाहिए, बढ़िया सा आपको चाहिए 1500 cc में सॉलिड सा एमहॉक इंजन ऑप्शन, तो आप जा सकते हैं इस कार के साथ। और बाकी विजिबिलिटी वगैरह देख रहे हैं ना, बोनट वगैरह यहाँ पे विजिबल होगा, आराम से इसको चलाइए दौड़ाइए फुनाइए, ये बढ़िया से चलने वाली कार। ग्लव बॉक्स रह गया था उसको देखेंगे तो इतना कुछ इस पर, जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये छोटा मोटा कुछ भी सामान इसमें रख सकते हैं। तो ये सब आपने देखा बेस मॉडल का फील, ये आपको मिलेंगी, ये जो आप डंडिया देख पा रहे हैं ना, इसी से आपको अपने ORVM को एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी मैनुअली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिलते हैं। एंड अब आइए निकलेंगे गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं इसके फाइनली इंजन स्पेक प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में कि कितने की आपको पड़ने वाली है ये कार।
सो अंदर का आपने सब देखा। अब यहाँ पे इसकी डोर को करेंगे बंद। इंडिकेटर्स वगैरह आपको फेंडरी पे मिलते हैं। इंजन स्पेक की बात करें तो इस महिंद्रा बोलेरो न्यू के साथ आपको मिलने वाला है 1500 cc का एमहॉक 3 सिलेंडर, यहाँ पे डीजल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको मिलती है 100 bhp की पावर एंड 260 nm का टॉर्क। इसी के साथ माइलेज में मान के चलिए 16 से 17 km तक आपको देखने को मिलता है इस कार के साथ। तो ये बात हो गई यहाँ पे इसके इंजन स्पेक की। एंड अब फाइनली बात आती है इसकी कीमत की। अगर आप इसके बेस मॉडल N4 को लेंगे तब आपको पड़ेगी 9,94,000 रुपये एक्सरूम, एंड ऑन रोड वही जाने वाली है ये 11,30,000 के आसपास ऑन रोड लखनऊ। सेफ्टी फीचर्स में आपको उस गाड़ी के साथ ABS विद EBD, 12 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, टीपे में जैसे यहाँ पे ये काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस 7 सीटर रफ एंड टफ सॉलिड SUV कार के साथ। तो यही था आज का हमारा वीडियो इस महिंद्रा बोलेरो न्यू के बेस मॉडल पे। तो अगर आज का हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।